तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ फैनकोड ईसीएस टीटन क्रोएटिया का पहला मैच। तो भाई आज से नई ईसीएस टीटन लीग स्टार्ट हो रही है और भाई जो काफ़ी गजब की रहने वाली है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर भाई बिल्कुल नए प्लेयर सारे आए हैं और किसी के पास भाई प्रॉपर स्टैट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका भाई आपके लिए जैसे हमेशा हर टीटन लीग के पूरे स्टैट्स, पूरी न्यूज और जैकपॉट मैचेस लेके था, सेम भाई वही हम इस लीग में भी करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप देखने आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी भाई हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन्हें भाई नहीं पता होगा कि हमारे T10 के रिजल्ट कैसे रहते हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और एक दो मैच आप ट्राई जरूर करो हमारी टीम से, फिर आपको पता लगेगा कि यहां पर रिजल्ट कितने गजब के होते हैं। ठीक है भाई, बात करें अगर नाम की तो भाई नाम देखो थोड़े से अजीब से इनके, ठीक है, मतलब मेरे को तो यार थोड़े क्या बहुत ज्यादा अजीब से लगे, तो अगर प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना तो आप मैनेज कर लेना, बाकी आपको नाम से क्या लेना, आपको तो काम देखना है, तो काम आपको गजब का मिलेगा। और वीडियो में आपके इतने अच्छे अच्छे स्टैट्स लेके आया हूँ आपके लिए, मतलब पूरे स्टैट्स, क्यों क्या मतलब प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी, क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और भाई ये जो 31 रुपये की एंट्री फीस के साथ 80 लाख रुपये की ग्रैंड लीग लगी हुई ना, इसमें आप जैकपॉट विनिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार स्टार्टिंग के देखो सभी मान लो जितनी भी टीम यहाँ पर इस लीग में खेलेंगी, तो अगर उनमें से सभी के एक एक दो दो मैच हो जाएंगे ना, फिर तो यार सभी को थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर कैसा है, कौन सा प्लेयर कैसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी है ना इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और उनका सेलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो 5%, 7% ये सेलेक्शन परसेंटेज है भाई, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फिलहाल ना आपके लिए जैकपॉट मौका है ये, और आप इस मौके को मिस मत करना। यहाँ पर आप 80 लाख रुपए की ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर विनिंग आप अपनी बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप अगर देखो मान लो टॉप 100 तक भी, मान लो आप 6 टीम लगाते हो और आप टॉप 100 तक भी आते हो तो भी आप 2000 का प्रॉफिट यहाँ से कमा रहे हो, तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि और कुछ आपको चाहिए। अब यार ये तो है नहीं कि मतलब आप बोलो भाई यार रैंक एक तो भाई किस्मत के साथ आएगी, ठीक है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हो, उसमें तो बस ये है कि मान लो चलो हो सकता है भाई मैं आपको बोल रहा हूँ टॉप 100 और क्या पता अपनी किस्मत थोड़ी अच्छी निकल जाए और यहाँ पर हमारी टीम की रैंक एक भी आ जाए, लेकिन मैं कभी भाई रैंक एक के पीछे कभी नहीं भागता। मेरा यहाँ पर मकसद हमेशा ये रहता है कि ग्रैंड लीग में मैं मान लो 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना तो मेरे भाई 1200 रुपये का फ़ायदा हो जाए, बस मतलब 1200 रुपये आ जाए, तो 400 की इन्वेस्टमेंट प्लस 800 का फ़ायदा, यानी कि जितने लगाए उससे डबल का फ़ायदा हो जाए। मैं हमेशा ग्रैंड लीग में इसी मतलब मोटिव के साथ खेलता हूं और इसीलिए हमेशा प्रॉफिट में रहता हूं, ठीक है। कल भी भाई हमने यहां पर जो एक मैं ये तो मैं ड्रीम इलेवन की बता रहा हूँ, बाकी भाई कल भी हमने मैंने यहाँ पर एक मतलब जो मिनी जीएल वो यहाँ पर विन की थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी रैंक क्या रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 3 पर हमने मतलब रैंक पर हमने ख़त्म किया था ये मैच, ठीक है, ये जो रात को दिल्ली वर्सेज चेन्नई का मैच था यहाँ पर आप देख सकते हो हमने नंबर 3 की रैंक पर ये मैच ख़त्म किया था। और भाई अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो दोस्तों सच में आप बहुत पीछे हो, क्योंकि जिस भी भाई ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना वो जल्दी से कर लो, आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे मतलब 2002K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और भाई जो 2000 लोग हैं ना वो डेली यहाँ से टीम ले रहे हो, डेली यहाँ पर जैकपॉट विनिंग कर रहे हो। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पर विनिंग नहीं करना स्टार्ट नहीं किया है और भाई यहाँ पर अगर आपने मतलब ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो लिंक से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर लिंक मान लो वर्क ना करे तो आप यहाँ से सीधा केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, तो यहां पर आप काफी इजीली ग्रैंड लीग में भी विनिंग करोगे, स्मॉल लीग में भी विनिंग करोगे। एक एक प्लेयर के स्टैट्स लेके आया हूं यहां पर भाई, ये मान लो कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, सब कुछ आपके लिए मतलब इतना गजब की प्रिडिक्शन लेके आया हूं कि आप बोलोगे मतलब आपको पता है यार जो भाई पहले से जुड़े उन्हें पता हमारा T10 का रिजल्ट कैसा रहता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज एक दो मैच ट्राई जरूर करके देखो अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर। और वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब यहां से शुरू होती है बात मेन इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो मैच की अगर बात करें तो पहला मैच ये खेला जाएगा, डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो 12:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा और 11 अक्टूबर यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा। बात करें अगर
टीम्स की। तो जैग्रेब सोकोल और बेलग्रेड के बीच में भाई ये मैच खेला जाना है, ठीक है। और वेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो होटल रैसनिक क्रिकेट ग्राउंड स्प्लिट, तो ये भाई वेन्यू रहने वाला है। और आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, यहाँ पर है ना दोनों टीम्स ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई सी भी मतलब जो दोनों टीमें इनमें से कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके प्लेयर्स ने यहाँ पर कभी T10 खेला हो, ठीक है। तो ये नई मतलब पहली बार यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो भाई प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी मतलब थोड़ा सा एक नई चीज है, तो उनको भी मतलब वो भी ट्राई करेंगे, तो क्या पता कौन सी टीम के प्लेयर चले कौन सी टीम के नहीं चले। लेकिन आपको मैं यहाँ पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको मतलब खुद मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पर हो सकता है और क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सब कुछ आपको बता दूंगा। बात करें पिच की, तो भाई यहाँ पर आर्टिफिशियल मैट फॉर्मेट पिच है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों को इक्वली हेल्प करेगी, लेकिन भाई जो वेदर कंडीशन है ना वो यहाँ पर थोड़ी सी खराब है, ठीक है। मतलब 40% से 45% तक चांसेस बताए जा रहे हैं यहाँ पर बारिश के, और अगर बारिश आती है ना तो मतलब पासिंग शावर होगा, यानी कि मतलब होने को तो यार क्या पता वो पासिंग शावर रुक भी जाए और लंबा चल जाए। बाकी भाई मेरे हिसाब से जैसे जिस हिसाब से वेदर रिपोर्ट में दिखा रखा है 10 से 15 मिनट की 2-3 बार बारिश आ सकती है, और भाई इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस मैच में ना आप स्मॉल लीग में बहुत कम इन्वेस्ट करना। ये मान लो कि अगर आप मान लो स्मॉल लीग में किसी भी मैच में अगर मान लो आप 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इस मैच में आपको सिर्फ भाई 1000 रुपये या फिर 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखो अगर मान लो मैं मान लो आपको टीम दूंगा तो मैं तो आपको T10 के हिसाब से दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लो बारिश हो जाती है और ये मैच ही 5 ओवर का होता है तो उसमें भाई फिर मैं क्या करूँगा, और फिर उसमें आपको पता है कि मतलब जो प्लेयर हमने सोचा है कि आइए आके रन बनाएगा उसकी साले की बैटिंग तक नहीं आएगी, ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी दिक्कत आती है। तो अब आप मिनी GL खेलो और GL खेलो, ये आपके लिए यहाँ पर मतलब चांस है कि अपने आप को मतलब ग्रैंड लीग के लिए प्रिपेयर करने का। और भाई यहाँ पर अगर देखो बारिश के चांसेस यहाँ पर आपने देखा मैंने आपको बताया बारिश के चांसेस है, तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर है ना मतलब पिच न्यूट्रल नहीं रहने वाली। अब यहाँ पर पिच है ना जो पेसर्स को है ना उनको थोड़ा सा फेवर करेगी क्योंकि कंडीशन उनके मुताबिक हो जाती है बारिश के बाद, तो इसीलिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई आपको 80 से 100 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखो ये मैं तुक्का लगा रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा, ये मैं तुक्का लगा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो दोनों टीम ऐसी है जिन्होंने कभी T10 नहीं खेला, तो मैं आपको एवरेज स्कोर क्या बताऊँ यार, ठीक है। और ये पिच भी ऐसी है जिस पर पहली बार T10 मैचेज खेले जाएंगे, तो यहाँ पर यार एवरेज स्कोर आपको मैं क्या बताऊँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ क्योंकि यार मतलब आप समझ जाओ यार कि 10 ओवर में इतने तो बनते हैं ना, तो इसीलिए मैंने तुक्का लगाया, ठीक है। मैं देखो आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं है कि मैं आपसे छुपाता रहूं या फिर कुछ भी, भाई जो रियल है वो रियल है, जो चीज़ नहीं पता जिस जो स्टैट्स मेरे को नहीं मिले वो मैं आपको कहाँ से बताऊँ। जब एक बात बताऊँ यहाँ पर कोई मैच T10 के खेले नहीं गए तो एवरेज स्कोर कौन बनाएगा भाई, यहाँ पर कौन मतलब लिखेगा कि हाँ ये एवरेज स्कोर है। बाकी ये मैंने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, जिस भी भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना वो जाओ जल्दी से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। अदरवाइज भाई आप सीधा KPM फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, या फिर आप गूगल पे जाके, आपको हमारे मतलब जो 2K की हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आप देख सकते हो, जहां पर भी आपको 2000 सब्सक्राइबर वाला चैनल दिखे जिस मतलब जो KPM फैंटेसी एक्सपर्ट है जिसका नाम हो वो भाई हमारा ही मिलेगा आपको, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पर बात करें ZAS की प्रोबेबल की प्लेइंग 11 और भाई परफॉर्मेंस की, तो आप यहां पर देख सकते हो जैग्रेब स्कूल की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स, और भाई ये इनके T20 के स्टैट्स है। देखो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर सारे स्टैट्स ये T20 के, और ये मतलब एक दो बीच में प्लेयर ऐसे भी आएंगे जो T20 भी नहीं खेला हुआ जिन्होंने, उनके भाई ODI के मेरे को स्टैट्स मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो बात करें क्रिस्टोफर तुर्किच की तो आप देख सकते हो 4 मैच में 180 रन बनाए इन्होंने। बात करें डैनियल लेजराइट्स की तो आप देख सकते हो 4 मैच में 244 रन प्लस 3 विकेट। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन और इस कैप्टन बना सकते हो, ओपनिंग में आते हैं। और भाई पता है क्या है, ग्रैंड लीग की अगर आप 6 टीम बना रहे हो तो एक टीम में आपके एक कैप्टन और इस कैप्टन होने ही होने चाहिए, क्योंकि दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज और काफ़ी अच्छी एवरेज के साथ रन भी बना रहे हैं, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप बन जाती है लंबे खेल जाते हैं तो आपको एक तरफा विनिंग करवा जाएंगे, ठीक है।
और अगर बात करें यहाँ पर भाई सोहेल अहमद की, तो 4 मैच में 77 रन प्लस 0 विकेट, ठीक है, तो इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। इन्हें आप सिर्फ मतलब मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी आप मतलब ट्राई कर सकते हो, बाकी हेड टू हेड में आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है इन्हें भाई। और बात करें अगर यहाँ से पीटर अरमान की, तो पीटर अरमान ने 4 मैच में 80 रन प्लस 4 विकेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 4 नंबर पर बैटिंग करके देगा। और अगर मान लो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे होती है बैटिंग में, तो ये बॉलिंग में आपको पॉइंट दे सकता है, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर बात करें अमन माहेश्वरी की, तो इसने भाई आप देख सकते हो यहाँ से 4 मैच खेले हैं 70 रन बनाए और 2 विकेट चटकाए हैं। और बात करें एमडी शेकत की, तो 9 मैच में 119 रन प्लस 4 विकेट, ये भाई इनका ओडीआई का रिकॉर्ड है, ठीक है, ये इनका वनडे मैचेस का रिकॉर्ड है, टी20 का रिकॉर्ड पता नहीं भाई इसने खेले या नहीं खेले, या फिर भाई इसका रिकॉर्ड मतलब मेरे को मिला नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं बिल्कुल आपको ये गारंटी नहीं दे रहा कि हाँ इसने टी20 खेले ही नहीं होंगे, ठीक है। बाकी भाई मेरे को ओडीआई का रिकॉर्ड मिला, मैं ओडीआई का रिकॉर्ड आपके लिए ले आया, ठीक है, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। रिचर्ड प्रोबेस्ट की बात करें, तो 4 मैच में 72 रन, इनको सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग में भी एज ए प्लेयर ट्राई करना है, ये ना कैप्टन ना वाइस कैप्टन। बात करें अर्पित शुक्ला, तो यहाँ पर भाई 30 मैच में 36 विकेट, और हाँ भाई आपको एक बात और बता दूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के फायदे क्या है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो फाइनल अपडेट दूंगा ना, उसमें भाई यहाँ पर ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर भी मैं इनका बताऊँगा, इनकी टॉस की प्रिडिक्शन भी करूँगा, साथ ही जो फाइनल टीम है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी कुछ वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अब बात करें एमडी शेखर की, तो 9 मैच में 119 रन प्लस 4 विकेट, और रिचर्ड प्रोबेस्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ, 4 मैच में 72 रन। अगर बात करें विराज बम्मा की, तो आप देख सकते हो विराज बम्मा की आप देख सकते हो 6 मैच में 125 रन इसने बनाए, बॉलिंग ये करवा नहीं रहा। अर्पित शुक्ला ने 30 मैच में 36 विकेट। और बात करें क्रिस्टोफर ओसबोर्न की, तो ओसबोर्न ने भाई 4 मैच में 19 रन बनाए प्लस विकेट इसे मिला नहीं है। बात करें जय ठाकुर की, तो 2 मैच में 2 विकेट मिले हैं और 12 रन बनाए, तो ये इनका रिकॉर्ड भाई ओडीआई का है, ठीक है, आपको पहले बता देता हूँ। अब बात करें यहाँ पर अगर जोरबर्ग की फुल स्क्वाड की, तो आप यहाँ से भाई इनकी फुल स्क्वाड देख सकते हो, ठीक है, अब एक एक प्लेयर के नाम लेके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मान लो इन 11 प्लेयर्स में से कोई नहीं खेलता है ना, और इसमें से कोई खेलेगा, तो उसके रिकॉर्ड और स्टैट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर टेलीग्राम पर चल के, यहाँ पर आप देखो जिस भी टीम में मान लो जो भी चेंजमेंट होते हैं ना, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, और विद मतलब स्टेट्स आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में। कोई नया प्लेयर आएगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। और अगर यहाँ से बात करें भाई मतलब बेलग्रेड की मतलब प्लेयर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस भाई यहाँ पर इनके प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर बात करें विंटले बर्टन की, तो आप देख सकते हो 10 मैच में 166 रन, और भाई यहाँ पर इसने 10 विकेट भी निकाल लिए, तो ओपनिंग में आएगा और भाई काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला मेरे हिसाब से। तो भाई 10 मैच में 166 रन बना चुका है, और साथ ही भाई यहां पर 10 विकेट भी निकाल चुका है, तो एक ऑलराउंडर के तौर पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर ये होने वाला है। बात करें सोलोमन टोसिक की, तो आप देख सकते हो सोलोमन टोसिक ने 10 मैच में 94 रन और 4 विकेट निकाले हैं। बात करें लेस्ली डनबर की, तो आप देख सकते हो 6 मैच में 213 रन, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग में, और मतलब ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन इस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा तो आपको काफी अच्छे पॉइंट दे जाएगा। बात करें निकोलस जॉन विकबर्ग की, तो आप देख सकते हो 10 मैच में 205 रन प्लस 6 विकेट, ठीक है। अलेक्जेंडर डिजिजा की बात करें, तो 76 मैच में भाई 1315 रन, सबसे मतलब अगर बात करें सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की, तो ये दोनों टीम्स में भाई सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर यही है अलेक्जेंडर डिजिजा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां से होने वाला है, इसको आप स्मॉल लीग में कैप्टन या वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो इजीली। बात करें अगर विकासिन जिमोनजिक की, तो आप देख सकते हो यहाँ से 10 मैच में 84 रन और 8 विकेट, और भाई नाम इनके बड़े अजीब है, अगर भाई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना यार आपका छोटे भाई को, समझा करो यार, मेरे को तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इन नामों से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर बात करें विकासिन जिमोनजिक की, तो 10 मैच में 84 रन प्लस 8 विकेट, ठीक है। और इसके अलावा बात करें इयो मैंने इजेगी की, तो इयो मैंने इजेगी ने भाई यहाँ पर 4 मैच में 4 विकेट निकाले हैं। सचिन शिंदे की बात करें, तो 6 मैच में यहाँ पर भाई इसने आपके लिए 4 विकेट निकाले हैं। बोर्डन दुर्जिक की बात करें, तो बोर्डन दुर्जिक ने 6 मैच में 6 विकेट निकाले हैं। मार्क पैलोविक की बात करें, तो 10 मैच में 9 विकेट। और बात करें यहाँ से अगर
नीमांजा जिमोनजिक की तो आप देख सकते हो 9 मैच में 5 विकेट निकाले हैं। तो ये भाई मैंने आपको इनके स्टैट्स बता दिए। और भाई बात करें अगर यहाँ पर बेलग्रेड की फुल स्क्वाड की, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। और अगर इसमें मान लो कोई चेंजमेंट होता है प्लेइंग 11 में, तो उसके रिकॉर्ड और स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएंगे। अब यहाँ पर भाई मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखी हुई है, मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ गई यार, चलो फिर से बना लेते हैं अगर नहीं बना रखी तो। तो यहाँ से भाई एसली डनबर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आपको करके देगा। डब्ल्यू अगर बात करें यार भाई विंटले बर्टन की, तो ये भाई ओपनिंग में आएगा और इसने भाई 10 मैच में 10 विकेट निकाले और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखे जा सकता है। तो आप इसका सलेक्शन परसेंटेज देखो भाई, सिर्फ 12% लोगों ने सेलेक्ट किया और आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, काफ़ी अच्छी चॉइस आपके लिए होने वाले हैं। अब बात करें एस शिंदे की, तो एस शिंदे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सचिन शिंदे को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। सी तुर्किच की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे जाएगा। बात करें डी लेजराइट्स की, तो ये आपके लिए ओपनिंग में आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो भाई नेमांजा जिमोनजिक की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो सचिन शिंदे को यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से ये 3 प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें एम पेलोविक की, तो पेवलोविक की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें एन जोन्स विक्सम, यार इनका नाम मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो भाई ये एन जोन विक्सबर्ग की, तो ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आपको सारे प्लेयर्स के स्टैट्स भी मैं यहाँ से दिखाऊंगा। एमएनए इजगी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 मैच में 4 विकेट बंदे ने निकाली हुई है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ से अमन माहेश्वरी की बात करें तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अमन माहेश्वरी इतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसे ट्राई भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर चाहो तो एक एक प्लेयर के यहाँ से आप स्टैट्स भी चेक कर सकते हो। ए मैंने एजगी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, इसलिए मैंने इनको पिक कर लिया है। और इसके अलावा बात करें अर्पित शुक्ला के स्टैट्स में ज़रूर देखना चाहूँगा यहाँ से भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। चाहे आप ए मैंने एजगी को ड्रॉप करो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसका सिलेक्शन आप देखो कितना एक्सपीरियंस्ड बॉलर है यार, फिर भी भाई सिर्फ 15% सिलेक्शन है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी आपके लिए वाला है। और यहां से बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन में, तो यहां से भाई एम सेक्कत हमारी टीम में रहेंगे और मिशेल डोरगन को भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं। वी जिमोनजिक की बात करें तो वी जिमोनजिक को मैं अभी आपको बताता हूं, अरे यार भाई विकास जिमोनजिक 10 मैच में भाई यहाँ पर 8 विकेट इसने निकाल रखे, तो अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और सचिन शिंदे को भी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर आपके लिए होने वाले, आप चाहो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर बी बुजिक की, तो बी बुजिक को आप ट्राई कर सकते हो। जय ठाकुर की बात करें तो जय ठाकुर के एक बार मैं आपको स्टेट्स दिखाना चाहूँगा यहाँ से, तो 2 मैच में 2 विकेट 12 रन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को लग रहा है, और एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें सी ओसबोर्न की, तो क्रिस्टोफर ओसबोर्न की मैं आपको स्टेट्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। तो यहाँ से अगर बात करें क्रिस्टोफर ओसबोर्न की, तो यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यार, नहीं भाई ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, इसने ना तो विकेट लिए ना इसने रन बनाए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और बात करें इसके अलावा भाई सी ओसबोर्न के अलावा भाई अगर आप बी बुजिक की बात करें, तो बी बुजिक को अपनी मर्जी से ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो अगर पर अगर बात करें तो बी बुजिक भाई उससे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है मेरे को, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी जो भाई फाइनल प्लेइंग 11 आएगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से प्लेयर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा भाई बात करें तो यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से यार कैप्टन आप बिल्कुल ईजिली यहाँ से, अरे यार कहाँ पे गया वो, हाँ डैनियल लेजार्ड्स को बना सकते हो, ओपनिंग में आएगा और काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको देख के जा सकता है। और इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो यहाँ से मतलब अलग लेस्ले डनबर, ये भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा, लेकिन जो मतलब आपके लिए टिक्के बल्लेबाजी करेगा और साथ ही बॉलिंग भी करवाएगा वो भाई यहाँ से डब्ल्यू बर्टन होने वाला है। विंटले बर्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो एक बार मैं आपको प्रीव्यू भी दे दूंगा इस टीम का,
तो आप भाई इस टीम के साथ आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। साथ ही भाई जो भी फाइनल अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।